हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो, एंड आई ऑल्सो होप कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो बस अब 30 नवंबर आने ही वाला है, आप बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है और पहला एग्ज़ाम सोशल साइंस का ही है। मैं समझती हूँ थोड़े बहुत आप नर्वस हो गए हैं ना, और पहला एग्ज़ाम तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि पहले एग्ज़ाम से ही वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अगर SST के पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो बाकी पेपर के लिए भी आप उस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ पाओगे। तो मैं समझती हूँ आप बच्चों के दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत डर होगा, नर्वसनेस होगा, तो इसीलिए आज आप बच्चों से मैं बात करने के लिए आई हूँ, ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में पहली बार आप लोग OMR बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत डर लग ही रहा होगा कि इधर उधर कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो आज के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है कुछ ऐसे मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जो कि हम बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और पहला पॉइंट क्या है? यूज़ बॉल पेन, ठीक है? ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बॉल पेन ही यूज़ करेंगे मैम, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस पॉइंट का रीज़न क्या है। काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ये चीज़ भूल जाते हैं। अगर आप जेल पेन से अपने OMR शीट को भरने बैठ गए तो जेल पेन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ओके? सो ध्यान रखना कि आप बॉल पेन को लेके जाओ। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? ये कैसा पॉइंट डाल दिया मैंने, ये मैं आपको समझा देती हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं और चार ऑप्शंस होते हैं, है ना? हम ए ऑप्शन को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ एकदम सही लिखा है, यही राइट आंसर होगा, और हम OMR शीट में ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं। बी, सी और डी को देखना भूल ही जाते हैं, है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि ए बी सी तीनों सही हैं और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ये राइट आंसर होता है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करने का एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप ऑप्शंस को उल्टा पढ़ो, ठीक है? पहले ही देख लो कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है, और उसके बाद सी बी और ए को पढ़ो, ठीक है? तो ऐसे जल्दबाजी हमें पेपर में नहीं दिखानी है। नेक्स्ट, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये तो आप बच्चे क्लासेस के बीच बीच में भी सुनते ही हो गया, हमारे सारे टीचर्स आपको बोलते रहते हैं कि नर्वसनेस में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये नहीं करना कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। कई बार क्या होता है, हम भर आते हैं आंसर को, फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट, डोंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है? तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा होगा कि 20 क्वेश्चन हैं पर इसमें से आपको 15 ही करने हैं। हो सकता है आपको 20 के 20 आते भी हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे 20 अटेम्प्ट करके आ जाओ। ऐसा करने से एक्स्ट्रा नंबर हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो जितना कहा है बस उतना ही हमें करना है, ठीक है? तो जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहा है उतने ही करो। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना और जितना कहा है उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? नेक्स्ट, एक और गलती जो हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आंसर्स को जैसे पेंसिल से, बच्चे क्या करते हैं OMR शीट में पेंसिल से छोटा छोटा ऑप्शंस को मार्क कर देते हैं और सोचते हैं कि एकदम लास्ट में हम OMR शीट को भरेंगे। तो ये गलत है। आप ये ज़रूर कर सकते हो कि हाँ जो आंसर सही लग रहा है पेंसिल से बहुत ही जेंटली आपने मार्क कर दिया कि बाद में मैं इस OMR को भर दूंगा, पर ऐसे मत छोड़ देना कि लास्ट में OMR शीट को भरेंगे। बीच बीच में हर एक 5 क्वेश्चन के बाद OMR शीट को भरते रहना। कहीं ऐसा हो जाए कि पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, OMR शीट भरने का टाइम नहीं बचा, फिर कोई भी फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो बीच बीच में हमें OMR शीट को फिल करना है। नेक्स्ट, डोंट डैमेज OMR शीट। इसका क्या मतलब है? कई बार नर्वसनेस में हम लोग क्या कर देते हैं, पेपर को थोड़ा सा फाड़ देते हैं, हल्का सा क्रम्बल कर देते हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? OMR शीट को बहुत ही अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करना है, पेन से कोई भी इधर उधर निशान नहीं बनाने हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अपने एग्जाम में, ओके?
बाकी तो मुझे पता ही है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, ठीक है, आप लोग अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। एक और बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ आप सारे बच्चों के लिए, हम लोगों ने आप बच्चों के लिए सफलता बैच स्टार्ट करा है, बहुत ही अमेजिंग बैच है ये। इसमें आपको 10th का पूरा रिविजन करा दिया जाएगा, साथ ही साथ अगर आप JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलो, तो ये नया कोर्स है हमारा, 9th से लेकर 12th तक के सारे बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और 1999 से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। हम गारंटी करते हैं आपको कि ये लोएस्ट प्राइस है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे इस बैच में तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर है 0124715 8250। ओके, चलो, तो आज मुझे आप बच्चों को यही बताना था, अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में सारे अपने डाउट्स को लिख दो, हम फ्यूचर क्लासेस में उन डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो, तो ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।